और वह इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वह चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करे। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से और यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा ना डाले, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को अच्छा किया था। चुनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए, और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं, शिमाउन जिसका नाम पत्रस रखा, और जब्दी का बेटा याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम बुआ निर्गिस यानी गर्ज के बेटे रखा, और इंद्रयास और फिलिप्पुस और बर्तलमाई और मत्ती और तोमा और हलफई का बेटा याकूब और तद्दी और शिमाउन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। वो घर में आया और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीजों ने यह सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है, और फकीह जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बलजबूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा, और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोर आवर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूहुल कुद्स के हक में कुफर बके वो अब तक मुआफी ना पाएगा, बल्कि अब्दी गुनाह का कसूरवार है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें ना पाक रूह है। फिर उसकी मां और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी मां और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है।